अहम खबर आपको दें, NA 133 के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग ने मैदान मार लिया है। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार शाइस्ता परवेज मलिक 46,811 वोट लेकर फाते रही हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार असलम गिल 32,313 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के मरकजी इलेक्शन ऑफिस में जश्न का समा है। कारकुनों के पार्टी नगमों पर भंगड़े जारी हैं और नारेबाजी भी की जा रही है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने कामयाबी पर शाइस्ता परवेज मलिक और लीगी कारकुनों को मुबारकबाद दी है, जबकि नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने ट्वीट किया है जिसमें उनका यह कहना है कि एक बारी फिर शेर अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार शाइस्ता परवेज मलिक ने NA 133 का मैदान मार लिया है। शाइस्ता परवेज मलिक ने 46,811 वोट हासिल किए और इस हलके से फातह करार पाई है, जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार असलम गिल 32,313 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के मरकजी इलेक्शन ऑफिस में जश्न का समा है। कारकुनों के पार्टी नगमों पर भंगड़े जारी हैं और नारेबाजी भी की जा रही है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने कामयाबी पर शाइस्ता परवेज मलिक और लीगी कारकुनों को मुबारकबाद दी है, जबकि नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने ट्वीट किया है जिसमें उनका यह कहना है कि एक बारी फिर शेर अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार शाइस्ता परवेज मलिक ने NA 133 का मैदान मार लिया है। शाइस्ता परवेज मलिक ने 46,811 वोट हासिल किए और इस हलके से फातह करार